Assalamualaikum students, how are you all? I hope you are doing well. Welcome to the online classes of Rise and Shine School. Welcome to class 4, subject English Literature. I'm your teacher Sidra Siddiq and this is going to be our lecture number 4. Chapter Tomkin and the Three-Legged Stool. We will continue this chapter. In our previous videos, we have discussed a lot about Tomkin and his three-legged stool, how Tomkin went to discover his kingdom and how his stool gave suggestion to him and helped him to find his kingdom. So we will continue the chapter and aaj hum iska written work karenge copy mein aur hum uske bare mein discuss karenge ki aap log से कैसे लिखेंगे कॉपी में. फर्स्ट यू आर गोइंग टू राइट द चैप्टर्स नेम टॉमकिन एंड द थ्री लेग्ड स्टूल ऑन द टॉप एंड क्वेश्चन आंसर्स हेडिंग विद ब्लू कलर. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन. फॉर क्वेश्चन यू विल ओनली यूज ब्लू कलर. क्वेश्चन नंबर टू, How did Tomkin's dream came out? जो टॉमकिन का ख्वाब था वो कैसे पूरा हुआ था? Answer is Tomkin's dream to become a king came true when he helped the people of a village where it never rained. These villagers had no water for long. Tomkin cut long slashes across the clouds and it began to rain. The villagers became happy and made him their king. I will read again for you. Question number 2. How did Tomkin's dream came out? Question mark. Answer is Tomkin's dream to become a king came true when he helped the people of a village. टॉमकिन का ड्रीम जो था किंग बनने का वो उस वक्त पूरा हुआ जब उसने एक गांव के लोगों की मदद की. वेयर इट नेवर रेन, जहाँ पर कभी बारिश नहीं हुई. दीज विलेजर्स हैड नो वाटर फॉर लॉन्ग, इन गांव वालों के पास बहुत अरसे से पानी नहीं था. टॉमकिन कट लॉन्ग स्लैशेस अक्रॉस द क्लाउड एंड इट बिगेन टू रेन. टॉमकिन ने जब बादलों में अपने सीजर की हेल्प से जो वो लॉन्ग कट्स लगाए थे जिसकी वजह से बारिश होना स्टार्ट हो गई. द विलेजर्स बिकेम हैप्पी एंड मेड हिम देयर किंग. जो गांव वाले थे वो देखकर बहुत खुश हो गए और उन्होंने टॉमकिन को अपना किंग बना दिया. ये डिटेल क्वेश्चन नंबर 2 है और इसे बिल्कुल एज इट इज़ आपने अपनी कॉपी में लिखना है. सबसे पहले आप लोग चैप्टर का नेम लिखेंगे, टॉमकिन एंड द थ्री लेग्ड स्टूल, यहाँ बिल्कुल टॉप पे. उसके बाद आपने इस तरीके से पेज को 2 पोर्शंस में डिवाइड करना है और लाइन ड्रॉ करनी है. वर्ड्स की हेडिंग देंगे आप सेंटेंसेस की और उसके बाद 5 वर्ड्स हैं आपके पास जिनको आपने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है. एंड दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर यू टू हाउ टू मेक सेंटेंसेस. अब यहाँ पे नंबर 1 है स्टैगर. अब मैंने इसको इस तरीके से यूज़ किया है, आई मैनेज टू स्टेगर द लास्ट फ्यू स्टेप्स, यानी कि स्टेगर का मीनिंग है लड़खड़ा के डगमगा के चलना, मतलब आप ठीक से नहीं चल पा रहे हो. तो मैंने जो लास्ट फ्यू स्टेप्स हैं वो मतलब आखिर के जो चंद कदम है वो मैंने लड़खड़ा के उनको मैनेज किया. नंबर 2 क्राउन, जो सर पे वो जो ताज होता है जो बादशाह के सर पे उसको कहते हैं क्राउन. द किंग वॉज वियरिंग अ क्राउन, किंग ने एक क्राउन पहना हुआ था. नंबर 3 क्लाउड, आई सॉ मैनी क्लाउड्स इन द स्काई, मैंने आसमान पर बहुत से बादल देखे. नंबर 4 किंग, आई सॉ द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया. नंबर 5 प्रामिस, आई प्रामिस माई मॉम दैट आई विल वर्क हार्ड, मैंने अपनी मदर से प्रामिस किया कि मैं बहुत मेहनत करूँगी, यानी कि हार्ड वर्क करूँगी मैं. अच्छा, आई प्रामिस माई मॉम दैट आई विल वर्क, यहाँ पर ये लिखा हुआ कि मैंने अपनी मदर से प्रामिस किया कि मैं काम करूँगी. तो ये तो सेंटेंसेस हैं, इन्हें मैंने अपने वे में, ये जो वर्ड्स हैं मैंने अपने वे में सेंटेंसेस में यूज़ किया है. आपने इन वर्ड्स को
खुद से सेंटेंसेस में यूज़ करना है और उनके न्यू सेंटेंसेस बनाने हैं, और इस एग्जांपल को फॉलो करना है कि कैसे यूज़ करना है। वी विल डिस्कस अबाउट होमवर्क। रीड पेज नंबर 103 फॉर क्विज। क्विज के लिए आपको पेज नंबर 103 की रीडिंग करनी है, और राइट डिटेल क्वेश्चन नंबर 2 एंड मेक सेंटेंसेस इन योर कॉपी। और जो डिटेल क्वेश्चन नंबर 2 अभी मैंने रीड किया है, उसे आपने अपनी कॉपी में लिखना है और अपने सेंटेंसेस बनाने हैं और उसे कॉपी में लिखना है। और जब आप ये काम कर लेंगे, आपने इनकी पिक्चर्स लेनी है और मेरे साथ स्कूलोजी पे शेयर करनी है। सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, एंड आवर लेक्चर एंड्स हियर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।